Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is me, Mr. Shahrukh Khan, and you're warm welcome to the platform and the channel of English with Shahrukh Khan. In this video, I'm going to teach you the last modal verb as video series I have taught you. Let's have a look on the whiteboard. It's will and they shall too. We use will for future predictivity, for future that this work will happen after this time, this work will happen with after this time. इस time के बाद ये काम होगा, ये होगा, ये होगा, या मैं ये काम करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा. तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल है फॉर्मूला. अच्छा, उर्दू के अंदर विल का मतलब है गा, गी और गेर. जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा. शैल का मतलब भी यही है. अब यहाँ पे फर्क मैं आपको बता दूं, विल और शैल दोनों का मतलब गा, गी, गे है. लेकिन विल किसके साथ लगेगा और शैल किसके साथ लगेगा? विल आपके आई के साथ भी लग सकता है, वी के साथ भी लग सकता है, यू के साथ भी लग सकता है, दे के साथ, सबके साथ लग सकता है. सब्जेक्टिविटी जिसकी कि सबने कन्वर्ट की थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. लेकिन अच्छा पॉइंट ये है कि शैल का इस्तेमाल से वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ होता है, लेकिन ये भी अब बहुत कम हो गया है. लेकिन अगर कोई पूछ भी ले तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो है हम उनके साथ हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? विल का इस्तेमाल कर लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखें फॉर्मूला है सामने आपके, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट. नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट. सवाल ये बनाएंगे, विल स्टार्ट में जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस विल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं. अच्छा, इस वर्ड को मैं बाद में मेंशन करता हूँ कि ये है क्या. यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, जिस तरीके से मैं कहता हूँ दे विल विन द मैच, वो क्रिकेट या मैच जीतेंगे. यू विल नॉट यूज मोबाइल, नेगेटिव है, तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करोगे. इस तरीके से अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो विल स्टार्ट में चला जाएगा, विल सी ईट फूड, क्या वो खाना खाएगी. That's it. ये सादा से जुमले थे जो फ्यूचर सिंपल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, विल के कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल वर्ब के लिए भी ले सकते हैं. अब आते हैं विल बी. अच्छा, विल बी के भी वर्ब और विदाउट वर्ब और विद वर्ब दो कॉन्सेप्ट हैं. अब विदाउट वर्ब, लेट्स हैव अ लुक दैट विदाउट वर्ब किस तरीके से होगा. सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब. जिस तरीके से मैं कहता हूँ वो रास्ते में होंगे, दे विल बी ऑन द वे. ठीक है जी, वो स्विमर होंगे, दे विल बी स्विमर, स्विमर्स. अच्छा, वो टीचर होंगे शायद, शायद नहीं, वो टीचर होंगे, ही विल बी टीचर. तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब अगर विद वर्ब लगेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ पे? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, मतलब है कि फोर्थ फॉर्म लगाएंगे. जिस तरीके से मैं कहता हूँ वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट. तुम स्कूल जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू स्कूल. अम्मी मुझे बुला रही होंगी, मदर विल बी कॉलिंग मी. तो ये तमाम के तमाम सेंटेंस है. नेगेटिव बनाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा बी के बाद नोट नहीं आता, विल के बाद नोट आता है. जैसे कि विल नॉट बी, मदर विल नॉट बी कॉलिंग मी, फादर विल नॉट बी कॉलिंग मी, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, लाइक दैट. अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो मैंने आपको शैल का बताया था. उसके ये देखिए, ये इस्तेमाल है. यूज ऑफ शैल किसके साथ होता है? आई के साथ और वी के साथ. ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, जो बात आपको बताया था सब्जेक्ट के अंदर. फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं जनाब? फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो बात स्टार्ट करते हैं. जैसे मैं कहता हूँ मैं स्कूल जाऊंगा, तो मैंने आपको बताया कि भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, तो मैं ये लगाऊंगा शैल. अच्छा, अक्सर टीचर बोलते भी होंगे शैल आई रेज द बोर्ड, शैल आई कम, तो ऐसे पॉइंट्स के मैं आ जाऊँ, या इससे कि फ्यूचर के लिए जो काम इस्तेमाल करते हैं, या मैं मिटा दूं बोर्ड को, तो ये शैल का इस्तेमाल करेंगे. दैट्स इट, और कोई प्रॉब्लम नहीं है. और एक और बात बताता चलूं कि विल और शैल के दरमियान इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, और शैल का जो इस्तेमाल है वो खत्म होता जा रहा है. काइंडली अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.